नमस्कार, हमारे इस सेगमेंट में आपका स्वागत है जहां पर हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों के फिल्मोग्राफी के बारे में। उसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे मेहताब के फिल्मोग्राफी के बारे में। जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेहताब हिंदी और उर्दू फिल्मों के एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने 1928 से लेकर 1969 तक काम किया था। उनका जन्म सचिन गुजरात में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनका नाम नजमा रखा गया था। उनके पिता नवाज सिद्दी इब्राहिम मोहम्मद याकूत खान गुजरात राज्य में सूरत के पास सचिन के नवाब थे। चलिए उनके फिल्मोग्राफी के बारे में जानते हैं। 1928 में उनका पहला मूवी रिलीज हुआ था, मूवी का नाम है सेकंड वाइफ। 1929 में दो मूवी जयंत और इंदिरा बेये। 1930 में दो मूवी कमाले शमशेर और हमारा हिंदुस्तान। 1931 में सात मूवी पृथ्वीराज, वर्णी विभूति, दीवानों, हुस्न परी, शुरू सैनिक, जंगे दौलत और सालिवाहन। 1932 में दो मूवी खूबसूरत खवासन और वीर कुनाल। 1933 में पांच मूवी भोला शिखर, कृष्ण सुदामा, मिस 1933, परदेसी, प्रीतम और रणचंडी। 1934 में तीन मूवी सिनेमा क्वीन, प्रेम परीक्षा और वीर पूजन। 1935 में चार मूवी लहरी जवान, मैजिक हर्स, स्त्री धर्म और तकदीर। 1936 में भोली भिकारन। 1937 में दो मूवी मोती का हार और जीवन स्वप्न। 1938 में देवबाला। 1939 में दो मूवी बागी और लेदर फेस। 1940 में दो मूवी एक ही भूल और कैदी। 1941 में दो मूवी चित्रलेखा और मासूम। 1942 में तीन मूवी भक्त कबीर, चौरंगी और श्रद्धा। 1943 में तीन मूवी कानून, संजोग और विश्वास। 1944 में चार मूवी बाहर, जीवन, इस्मत और परेख। 1945 में एक दिन एक सुल्तान। 1946 में तीन मूवी बहराम खान, साथी और समा। 1953 में झांसी की रानी और 1969 में समा बड़ा बलवान। तो दोस्तों, ये तो थे मेहताब के फिल्मोग्राफी। इसी तरह से किसी भी आर्टिस्ट के फिल्मोग्राफी के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आज का इतना। स्टे सेफ एंड गुड बाय।